जनपद कोतवाली सदर को बड़ी कामयाबी मिली जब 12 वर्षों से फरार और सघन अपराधों में और एक दर्जन से ज्यादा अपराधों में शामिल गौ तस्करी, गौ हत्या में जैसे संगीन अपराधों में लुप्त संपत्ति अर्जित करने वाले शमशाद शातिर बदमाश गिरफ्तार गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजा गया। एएसपी संभल पंकज पांडे ने खुलासा करते हुए कहा कि शमशाद एक शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का बदमाश है जिसने गौ काशी और गौ तस्करी से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इसकी समस्त संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। गैंगस्टर के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेज दिया गया। आज ये थाना कोतवाली संभल में जो यहाँ पर गौ तस्कर और गौ वंश के पशुओं के मतलब तस्करी में लिप्त रहे एक मुख्य अभियुक्त शमशाद पुत्र भूरी को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध जो है तकरीबन कई थानों में जनपद के थानों और जनपद के बाहर के थानों से भी काउ स्लॉटर एक्ट के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इस अभियुक्त के द्वारा जो है इस अपराध में तकरीबन पिछले 10 वर्ष से जो अपराध किए गए हैं उसके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति से एक बड़ा एक कारोबार खड़ा किया गया, बड़ी संपत्ति अर्जित की गई है। तो इसके खिलाफ जो इसमें मुख्य कार्रवाई कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं हम लोग, वो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें ये भी प्रावधान है कि अपराध के द्वारा जो अर्जित संपत्ति होती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है।